हेलो फ्रेंड्स, एम टू मसाला मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरीके की चटनी, कच्चे आम की चटनी और नारियल की चटनी। सबसे पहले बनाएंगे कच्चे आम की चटनी। इसके लिए मिक्सी के जार में साफ की हुई एक कटोरी पुदीना की पत्तियां मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें एक छोटी कटोरी हरा धनिया डालेंगे, दो कच्चे आम जिनको मैंने छीन के छोटा छोटा काट लिया है इसे भी डालेंगे, और इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच काला नमक डालेंगे, चार छोटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे, करीब करीब 2 इंच हींग है। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये ग्राइंड हो चुकी है, अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तैयार है कच्चे आम और पुदीना की चटनी। आप 1 हफ्ते फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब बनाएंगे नारियल की चटनी। इसके लिए मैंने एक कच्चा नारियल लिया हुआ है। इसके मैंने ऊपर का छिलका काला काला होता है ना, उसको मैंने चाकू से छील लिया है और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, करीब करीब 1/2 कटोरी पानी जाएगा। अब इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए चटनी ग्राइंड हो चुकी है। चटनी में तड़का लगाने के लिए पैन को गर्म करेंगे। उसमें मैंने 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लिया है, इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं 1/4 टेबल स्पून राई डालूंगी और उसे चटकने दूंगी। इसके बाद इसमें 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे, इसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब तड़का तैयार है, इसको चटनी में डालेंगे और नारियल की चटनी तैयार है। लो तैयार है सिंपल नारियल की चटनी और कच्चे आम पुदीना की चटनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।